Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर हर चीजों को बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए ये भी किसी को नहीं पता है। आज विधायक हैं, क्या पता अगले बार आपका पत्ता कट जाए, और पत्ता नहीं कटे तो किसी अलायंस के साथ आपका गठबंधन हो जाए और उस अलायंस की जगह पर आपके टिकट को काटकर उसको टिकट दिया जाए। तमाम तरीके के कयास कहीं ना कहीं राजनीति में लगाए जाते हैं और इस तरीके की बातें होती रहती है। लेकिन जब कोई फैसला पार्टी के सुप्रीमो करते हैं तो उसको लेकर विधायकों को मानना भी पड़ता है, और नहीं भी मानते हैं तो उनको आगे जाकर नुकसान सहना पड़ता है। और इस कड़ी में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की हो रही है। सुभाषपा के 6 विधायक हैं, हालांकि वो विधायकी का चुनाव जो जीते हैं वो समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ जीते हैं, लेकिन जब चुनाव राष्ट्रपति का आया तो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यानी कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद उसमें से कई सारे ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि वो किसी भी तौर तरीके से वो योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के NDA कैंडिडेट को ना चुने, लेकिन मजबूरन पार्टी के नेतृत्व की बात मानकर करना पड़ता है। और उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अब्बास अंसारी का है। अब्बास अंसारी को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं, तमाम लोग बातें कह रहे हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर खुलासा किया था और उन्होंने कहा कि मैंने 4 बार अब्बास से बात की और अब्बास ने बोला है कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू को हम लोग एक साथ मिलजुल कर वोट करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती ने यह कहकर पत्ता काट दिया कि किसी भी बाहुबली नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई BSP से इस बार कोई भी मऊ सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के परिवार का लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मायावती जो है ऐसे ही बायकॉट कर दी है। ऊपर से अब बात आती है योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ या फिर अब्बास अंसारी कभी भी नहीं चाहेंगे कि BJP से अब्बास अंसारी को टिकट दिया जाए या फिर BJP के टिकट पर MLA का चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बाहुबली नेता को एक्सपोज करते हुए उसके बेटे को टिकट देती है तो फिर वो मुश्किल ही मुश्किल है। तीसरी चीज आती है कि अगर अब्बास अंसारी इस बार NDA अलायंस को समर्थन करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पर तो फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी खफा हो जाएंगे और आने वाले समय में अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अब पड़ जाएंगे ओम प्रकाश राजभर अकेले, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का हर पार्टियों से रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहा है। तो इसमें ओम प्रकाश राजभर तो ठीक है, एक पार्टी के नेतृत्व के तौर पर तो हैं, लेकिन उनके जो विधायक हैं जो मजबूरन अगर योगी आदित्यनाथ को वोट करते हैं तो आने वाले समय में उनकी जो सियासत है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी और लोगों के नजर में भी शायद वो गिरते नजर आएंगे और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनको मुंह की भी खानी पड़ सकती है। खैर, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि अब्बास अंसारी योगी को समर्थन करेंगे या फिर करना चाहिए? अगर करते भी हैं तो आने वाले समय में उनके राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.